देखो टॉपिक लियो फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब कि थोड़ा सा खाली नॉलेज रखना है। जैसे मान लो y बराबर एफ एक्स का फंक्शन है, बोल क्लियर है। अब x को ना इंडिपेंडेंट कहा जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसके बदले में y कुछ और मिलता जाएगा। x को चेंज कराने से y, मतलब x जैसे पाओ वैसे चेंज कराओ, बट y जैसे पाएगा वैसे चेंज होगा क्या, नहीं होगा। y जो है अकॉर्डिंग टू x चेंज होगा, नहीं आया। y क्या होगा अकॉर्डिंग टू, जैसे कि अगर मान लो, और y को कहा जाता है डिपेंडेंट, y को क्या कहेंगे, जैसे मान लो y बराबर अगर साइन x है और एक y बराबर cos x है, तो इसमें x का वैल्यू चेंज होने से y अलग चेंज होगा, नहीं। अगर बोलेगा कि फाइन x बराबर फाइन मतलब कि y एट x इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या होगा बताओ, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन x की जगह क्या 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, तो y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। फिर उसी से तरह से पूछेगा फाइंड y एट x इक्वल टू 60 डिग्री, बोल क्या होगा, डायरेक्ट लिखे, तो क्या y बराबर आएगा साइन 60 डिग्री, तो y इक्वल टू रूट 3/2 हो जाएगा। अरे बोलो, अच्छा उसी तरह से y बराबर cos x में भी आ जाएगा। अच्छा कभी कभी y बराबर y इक्वल टू fx, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं कि y बराबर fx है, तो y ना लिख करके f ऑफ x भी लिख देंगे, इसको कहा जाता है f ऑफ x। जैसे y बराबर sin x लिखो, ठीक है, या y के जगह क्या लिख लो, किसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, ऐसा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि ये है कहां दिक्कत। अब मान लो पूछा कि फाइंड, तो बोल क्या करेगा, तो जहां जहां x है, अरे बोलो ये ना है, जहां जहां x है वहां पाई बाई टू पुट करेगा, नहीं पाई बाई टू, अच्छा पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री ना, पाई रेडियन हम लोग क्या लिखते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू, तो पाई बाई टू रेडियन बराबर क्या, इसका मतलब 90 डिग्री का वैल्यू पे पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात, तो क्या करेंगे, देखो तो हम लोग देखो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो पुट एक्स इक्वल टू कितना, पाई बाई टू, तो एफ यहाँ पाई बाई टू हो जाएगा इक्वल टू साइन, यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन पाई बाई टू क्या होता है, साइन पाई बाई टू साइन 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कहाँ दिक्कत, समझ आ रहा, वाई ना लिख करके एफ ऑफ एक्स लिखा गया, बाकी कोई खास बात नहीं। इसको फंक्शन कहा जाता है, जो मैथ्स में काफी डिटेल में पड़ेगा, बट फिजिक्स में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई इक्वेशन उसी टाइप का दिया रहेगा, तो खाली वैल्यू पुट करना, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, वेलोसिटी निकालना है, तो टी की जगह वैल्यू पुट कर देगा, पूछेगा वेलोसिटी इस टाइम पे बताना, बन जाएगा। फिर एक्सेलरेशन निकालना, डबल डेरिवेटिव करेगा, फिर कहेगा एक्सेलरेशन इस टी पे, तो ये पुट करने का आदत रहेगा तो फटाफट बन जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक। जैसे मान लो एक दिया हुआ है ऐसे, ठीक, पूछा फाइन ऐसे बना, तो बना 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 क्या हो जाएगा, वन कैसे बनेगा, पुट एक्स इक्वल टू कितना, एवरीवेयर, पुट एक्स इक्वल टू एवरीवेयर, तो बोल क्या होगा, तो ये पाई बाई टू पुट कर दिया, अच्छा इसे पुट होगा, तो यहाँ एक्स की जगह जहां जहां पाई बाई टू होगा, तो ये कॉस एक्स की जगह यहाँ भी क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस 90 डिग्री ना, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, और साइन 90 डिग्री वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू वन, बोल चमका है, दिक्कत वाली बात, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 3 दिया हुआ है, कितना है 4x प्लस 3 दिया हुआ है, निकालना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं इसको, फाइंड
ऐसे पूछा, देख रहा एफ एफ टू नहीं पूछा, एफ एफ ऑफ एफ टू पूछा। हाँ एफ पहले निकाले थे एफ ऑफ टू, अब एफ ऑफ टू नहीं निकाल रहे हैं, एफ एफ ऑफ एफ टू, ठीक रहा है। अब ऐसा नहीं कर देंगे कि पहले x के जगह 2 पुट कर देंगे तो 4 टू जो 8 प्लस 3 होगा, और फिर जो आएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 3 कितना 11, और फिर दूसरा पुट करने लायक वो बचेगा ही नहीं क्योंकि उसमें x रहेगा ही नहीं। नहीं आया नहीं जमकर क्या बोले, पहले तो x के जगह 2 पुट कर देगा तो 4 गुना 2 8, 8 प्लस 3 क्या होगा 11, अब 11 में फिर से दोबारा 2 पुट करने लायक बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। नहीं आया, तो सबसे पहले उसको पुट करने लायक, तो सबसे पहले ना ये जो है ना उसको इसी तरह का बनाएंगे क्या है, तो देखो एफ एफ ऑक्स एक्स कितना है 4x प्लस 3 है, ठीक है। अब x की जगह पे पहला वाला देखो, पहले हम देखते जाना, पहले इसका इसका वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर x है वहां पर वैसा ही वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ये 4x प्लस 3 है ना, इस इसके जगह क्या है 4x प्लस 3, क्लियर, ध्यान से सुनना। अब जैसा x है वैसा ही, मतलब यहां पर पुट करना होगा 4, x की जगह यही पैटर्न में पुट करना, तो f ऑफ x क्या है, देखो ये तो ऑपरेट हो रहा है, ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, f ऑफ ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ऑफ, अब ये चीज क्या है, इसकी इस पैटर्न में है, हाँ 4x प्लस 3 है, नहीं आया, प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ 3, देखो तो नहीं आया, क्या किया समझना है, क्या किया, देखो पहले f ऑफ x इतना है, हमको f ऑफ f x पहले निकाल लेते हैं, पहले f ऑफ x इतना 4x प्लस 3 टाइप का है ना, तो f ऑफ f इतना निकाल लेते हैं, तो ये जहां जहां f x है वहां क्या है 4x प्लस 3 है, जहां जहां x है वहां क्या है, तो यहां पर 4 हो गया, और जहां x है वहां ये वाला पूरा वैल्यू पुट करो, पूरा वैल्यू, तो पूरा वैल्यू पुट करेगा तो क्या आएगा, तो 4x की जगह क्या है, देखो इसी मॉड में ना है, तो x की जगह क्या होगा 4x प्लस 3, और फिर बाकी एक्स्ट्रा क्या लिखा, तो 4x हो गया, x की जगह इतना हुआ प्लस 3, अब देखो तो क्या हुआ, ये देखो तो समझ में आ रहा, इसी का ये है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 16x प्लस क्या 4 3 12 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 16x प्लस 4 3 12 15 हो गया। अब x की जगह क्या पुट करना, देखो तो क्वेश्चन में x की जगह 2 सॉल्व करना है, x की जगह 2, तो 2 सॉल्व करेंगे तो 16 गुना 2 प्लस 15, तो 16 गुना 32 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सुन रहा, सबसे पहले क्या करना है, देखो ये दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये नहीं पूछ, ये अगर पूछा होता तो x की जगह डायरेक्ट हम वैल्यू बैठा दिए होते हैं, 2 बैठा देते आंसर आ जाता है, बट ये नहीं पूछा, इसका भी ये पूछ दिया, तो पहले इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला ये दिया होगा ना, तो पहले एफ एफ ऑफ इसके इस टाइप में बनाना होगा, तो जहां जहां x है वो x टाइप में ये फंक्शन एप्लीकेबल है ना, इस x पे इस टाइप का है तो यहां भी x में उस टाइप का बनाना होगा, तब ये एफ एफ ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, तो फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे एक फॉर्म एकदम सिमिलर टाइप का देते हैं, पहला मान लो ऐसा निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पुट करना है और दूसरा ऐसे, समझना है, पहले तो ये सॉल्व करना है, एफ एक्स दिया हुआ एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, फिर एक्स के जगह 5 पुट करना है, बना तो
है। हाँ कैसे कैसे बनाया देखो, कितना है 10x प्लस 2 ऐसे ना, तो पहले एफ ऑफ ऐसे निकालेंगे, तो देखो क्या करना पड़ेगा, 10x की जगह किस फॉर्मेट में है 10x प्लस 2 ऐसे, तो कितना हो जाएगा हाँ 10x प्लस 2 और फिर एक्स्ट्रा प्लस 2 होगा। वेरी गुड, जहां जहां जो 10x प्लस 2 पैटर्न पे है ना, x जो है एफ एफ एक्स 10x प्लस 2 पैटर्न में है, तो उस पैटर्न में हमको लिखना पड़ेगा ना। तो 10 हो गया और x की जगह इस पैटर्न को लिखना पड़ेगा प्लस, फिर क्या लिखा हुआ 2, तो बोल क्या होगा 100x प्लस 20 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 100x प्लस 22। अब हाँ 5 पुट कर देगा। अब पूछा गया क्या, हाँ ये पूछा गया, और बोलो तब क्या होगा 100 गुना 5 प्लस 22 तो 500 प्लस 22 तो कितना 522। कहाँ दिक्कत, तब लगा क्या, देखो एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, पूछा फाइन सिमिलरली फटाक से बनाते, बना बना कौन वाला, ये तो कट गया ना माइनस फाइव, अच्छा माइनस फाइव एक्स होगा, माइनस से माइनस कटेगा तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। कितने का है हाथ उठा, तो सबका गया, तुम्हारा वाली कहाँ है, तुम्हारा माइनस फाइव एक्स, फिर देखो ये वाला ये कट गया और इसका ये वाला ये कट गया, तो माइनस 9 प्लस 4 तो कितना माइनस 5, माइनस से माइनस कट किया 5 से 5 तो क्या बन रहा है x। अब यहां पूछा जाता कि ऐसे पूछता कि f ऑफ 3 बताओ, बोल बनता, अब क्या करते हैं x के जगह 3 पुट करते, तो 3 पुट करते तो 3 आंसर आ जाता, 4 पुट करते तो 4 आ जाता, 5 पुट करते तो इसके पहले वाला में भी वैसा ही होगा, सारे में वैसे ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा f of fx बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ पैटर्न तुमको वही रखना है, पहले ये किए जो ये वाला आया, ये पैटर्न आ गया ना, अब यहाँ पर फिर x के जगह ये वाला पुराना वाला पुट करना है। खैर फिजिक्स में जरूरी नहीं है, हमको तो फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। अच्छा टॉपिक लिखो ग्राफ, ठीक है, फिजिक्स में ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्राफ सबसे पहले, ग्राफ में पहले ये फील करो स्लोप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप, नाम सुना है कभी स्लोप, किसका स्लोप, इंक्लाइन प्लेन का स्लोप होता है, स्लोप
हम लोग घर में जो ढलाई करते हैं तो मिस्त्री बोलता है, अरे इसका स्लोप इधर कर दिया, उधर करना चाहिए था, पानी ठहर ही नहीं रहा है। ये स्लोप हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोगी चीज है। स्लोप से ही जिसे हम लोग घर ढलाई करते हैं, छत ढलाई करते हैं, तो ऊपर में स्लोप दे दिया जाता है, ताकि मतलब कि स्लोप अगर नहीं रहेगा ना तो पानी पूरा भरा हुआ रहेगा। या घर हम लोग धोएं और स्लोप कहीं देवे नहीं किए, तो घर धोना शुरू किए, कोई पार्टी फंक्शन हुआ तो घर धोने का जरूरी पड़ा, धोए तो पूरा पानी किधरों जा ही नहीं रहा, पूरा भर गया। अब पूरा काच काच के उसका पोछा से लपेट लपेट के निकाल निकाल गार गार के निकालना पड़ रहा है, ये दिक्कत हो जाती है। वही करता है, ठीक है, वही सब करता है। खैर जो भी है, अब अगर मान लो स्लोप दिया रहता थोड़ा सा, बाथरूम वगैरह में देखना स्लोप देता है, ताकि पूरा पानी कहीं ठहरे नहीं, जहां पर उसका एग्जिस्टेंस है वहां पर पानी आ करके बाहर चला जाए। लेकिन अगर स्लोप गलत तरफ दे दिया तो पूरा पानी एक तरफ किनारे पड़ा हुआ रहेगा। तो ये स्लोप हमारे जीवन में बहुत काम का चीज है, थोड़ा थोड़ा समझना है। स्लोप का मतलब किसी तरफ ऊंचाई, किसी तरफ ढलाई, एक तरफ ऊंचाई तो दूसरी तरफ ढलाई, दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक, अच्छा, ये स्लोप हम लोग घर में जो सीढ़ी बनाते हैं तो उसका भी हम लोग स्लोप रखते हैं। नहीं, बढ़िया सीढ़ी जो बनता है उसका स्लोप क्या होता है, कम की ज्यादा? ज्यादा तो पैर खराब हो जाएगा। जैसे मान लो, सुनो, इस लेवल तक हमको मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये वाला कौन फ्लोर, और ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है। ठीक, अब कोई एक सीढ़ी बनाया गया जिसमें सीढ़ी ऐसा टाइप का, ये सीढ़ी है। ठीक, कोई सीढ़ी बना ऐसे, ठीक, फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना है, ग्राउंड फ्लोर से कहां जाना है? अब देखो, मान लो एक बुढ़िया को चढ़ना है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, अब उसको ऐसा वाला कौन वाला प्रीफर करेगी बता तो? हाँ, इसमें तो पता नहीं चलेगा, जहां ये दे दिया तो गरियाते गरियाते जितना खराब खराब जो होता है सारा निकाल, क्योंकि इसका हालत खराब हो जाएगा चढ़ने में। नहीं, जैसे जैसे एक एक सीढ़ी उसका पैर जाता जाएगा वैसे से बढ़िया बढ़िया बात जो है निकलते जाए, कौन मिस्त्री बनाया, फलना ढेकलना, उसको बनाने नहीं आता था, कैसा मिस्त्री, मतलब समझना रहा है। इसलिए जब भी घरों का स्लोप बनता है, जब भी घरों का स्लोप बनता है तो ये मायने रखता है कि थीटा क्या रखा जाए, थीटा का वैल्यू जितना कम रखेंगे, ये थीटा वन और ये थीटा टू, थीटा टू ये ज्यादा है थीटा वन से, तो बेसिकली ये थीटा या स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। ये टैन थीटा के बारे में आइडिया बता रहा है, नहीं स्लोप का मतलब कि देखो अगर देखा जाए तो दोनों का हाइट सेम की अलग अलग, दोनों के लिए हाइट सेम, बट इसका बेस कम है और इसका बेस ज्यादा है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा तो दोनों के लिए सेम है बट बेस वाला हिस्सा दोनों के लिए सेम, तो स्लोप अलग अलग हो गया। जिसका बेस कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, देख रहे हैं, और जिसका बेस ज्यादा होगा फॉर द सेम परपेंडिकुलर के लिए, फॉर द सेम गिवन हाइट के लिए, क्लियर है? अच्छा, जैसे हम लोग देखना मतलब एक जैसे तुम लोग कुल्लू मनाली या गैंगटॉक वगैरह जाएगा ना कभी घूमने उमने के लिए, तो वहां देखना अलग अलग पहाड़ बहुत रहता है, इस पॉइंट से उस पॉइंट जाना है गैंगटॉक घूमने के लिए, तो कार वाला जो है उसको ले जाता है, या बहुत कोई जहाँ वहाँ का जो लोकल निवासी है वो भी पहाड़ चढ़ चढ़ के जाता है, तो उसका पहाड़ कभी इस टाइप का, मान लो कि ये वाला है तो कभी पहाड़ इस टाइप का मिलेगा ऐसे। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पर एक पब्लिक है जिसको मंदिर का दर्शन करना है यहाँ पर, ठीक, यहाँ क्या है भोलेनाथ का मंदिर है और इसको यहाँ दर्शन करना है, क्लियर? देखो तो कहा सबको एक जैसा स्लोप मिला क्या, एक जैसा स्लोप मिला, कहां पर स्लोप ज्यादा है? नीचे में देखो, यहाँ तो ऐसे इस टाइप का है, हाँ देखो ये वाला में तो हालत खराब हो जाएगा,
ठीक है, ये वाला मतलब आराम से थोड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ का स्लोप ज्यादा रहते क्या हो गया, कम हो गया। तो स्लोप देखो बेसिकली हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस जगह का टेंजेंट ड्रॉन जो है ना वो वही बेसिकली तुमको आइडिया बताएगा। टेंजेंट किसके साथ देख रहा है, व्हाट वी आर डूइंग, देखो यहाँ तो टेंजेंट लगभग ना के बराबर है, देख रहा है ये थीटा। तो जहां भी स्लोप निकालना हो तो व्हाट वी आर डूइंग, क्या हमारे माइंड में आ रहा है कि सला ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ द, तो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो जिसका लेस थीटा होगा उसको लेस स्लोप माना जाएगा और जिसका मोर थीटा होगा उसका मोर स्लोप माना जाएगा। तो कहां का स्लोप ज्यादा, तो देख लो तुम्हारे ऊपर है, देख रहा है ऐसे टाइप का। फिर से देखो एक फिगर बनाते हैं, बाप रे देखो तो अब यहां पर तो आदमी आराम आराम से गया, यहां पर तो उसका प्राण फेरो निकल जाएगा, देख रहा है अब ये गिर भी जाएगा, देख रहा है सेम स्लोप की अलग अलग। अगर बेसिकली हमको स्लोप वहां निकालना हो तो ड्रॉ द टेंजेंट, तो यहाँ तो थीटा वेरी वेरी कम एंगल, फिर ज्यादा एंगल, फिर ज्यादा एंगल, बाप रे बाप, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 89 डिग्री के आसपास, तो कहाँ का स्लोप ज्यादा। तो ये थोड़ा फील आ रहा है कि जब भी स्लोप बनाना चाहिए तो हमको टैन थीटा टाइप का वहां टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ जो करेंगे तो टेंजेंट का जो थीटा होगा तो थीटा का टैन थीटा जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया कि स्लोप का मतलब थोड़ा सा फील आया कि वो क्या रहा। जैसे मान लो कि देखो स्लोप क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज दैट कि अब ये इसका मैथमेटिकल देखते हैं, ये एक्स है ये वाई है, एक लाइन हम खींच दिए थीटा, थीटा हमेशा एंगल शुड बी टेकन, एंगल शुड बी टेकन एंटी क्लॉकवाइज विथ किसके साथ, पॉजिटिव ऑफ एक्स के साथ, ऑलवेज किसके साथ, और किधर, तो उस थीटा का जो टैन थीटा है उस थीटा का क्या है, वही स्लोप कहलाएगा। ठीक है, और स्लोप का मतलब हम लोग इसको डीवाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, नहीं डीवाई मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, तो फॉर द गिवन डी एक्स अगर चेंज इन वाई हाइट का अगर बहुत ज्यादा होगा, देखो सारे जगह अगर देखा जाए तो यहाँ का ये वाला यहाँ का उतना ही सारे बेस पे सेम ये करेंगे, तो इस बेस पे देखो इतना ही बेस पे इतना परपेंडिकुलर चला गया, देख रहे हैं इसमें इतना ही बेस पे कम परपेंडिकुलर, यहाँ पर इतना ही बेस पे मात्र लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा सा परपेंडिकुलर, देख रहा है, और यहाँ पर बाप रे बाप इतना ही बेस पे इतना बड़ा परपेंडिकुलर, सबका बेस सेम किया अलग अलग, समझ आ रहा है। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि ये कैसे हो रहा है, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो किसका स्लोप ज्यादा माना जाएगा, देखो दोनों के लिए बेस सेम, और ये एच वन है और ये क्या है एच टू है, देख रहा है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बेस इज टेकन सेम की अलग अलग सेम, और इसका हाइट ये सेम की अलग अलग, किसका हाइट ज्यादा, हाँ जिसका हाइट ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा ना होगा, तो बड़े वाला का थीटा टू और छोटे वाला का फॉर द सेम गिवन बेस, तो बेसिकली डीवाई बाई डी एक्स क्या दे रहा है कि फॉर द सेम चेंज ऑफ डी एक्स किसका डीवाई ज्यादा होगा, डीवाई मतलब y के तरफ इंक्रीमेंट किसका ज्यादा होगा, ये x इंक्रीमेंट है और ये क्या है, तो फॉर द सेम चेंज ऑफ dx जिसका इंक्रीमेंट इन y ज्यादा होगा क्या उसका स्लोप ज्यादा माना जाएगा, अरे बोलो किसका स्लोप ज्यादा माना जाएगा, फील करो तो बुढ़िया किसमें ज्यादा गड़ी आएगी, नीचे वाला में कि ऊपर वाला में, ऊपर वाला में ज्यादा गड़ी आएगी, उसको चढ़ने में ज्यादा हालत खराब होगा, क्योंकि जाना उतना ही है, उतना ही छत पे जाना है, बट समझ मारा नहीं आया स्लोप का मतलब, ये तो घरों का चीज है, स्लोप हम लोग फील करते हैं, बोलते हैं यार स्लोप ज्यादा मत रखना कम मत रखना, स्लोप का बेसिकली आइडिया क्या है,
कि वो जो हाँ जो तुम्हारा छत का जो बेस विड्थ है उसका हाइट एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, अल्बेस्टस का घर देखना बनता है तो उसमें भी स्लोप देते हैं कि नहीं, कि फ्लैट बना देते हैं जीरो स्लोप, मतलब जब जब पानी जब बारिश हो रहा है ना सब उसी पे रह जा रहा है, नो स्लोप, उसके बाद धीरे धीरे चू रहा है अंदर का सामान जो बना है, कॉर्निस लंग फन ये वो, कभी टीवी भींज रहा है कभी, क्योंकि वो जमा हुआ पानी तो खतरनाक हो जाता है ना, जमा हुआ पानी क्या हो जाता है खतरनाक हो जाता है, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, तब तो वो डिपॉजिट नहीं होगा, हमारा घर सेफ रहेगा। तो एल्बेस्टस का जो घर होता है तो हल्का सा स्लोप दे देते हैं, तो स्लोप देने से क्या होता है, एक तरह का पानी जैसे स्लोप कम होगा उधर पानी ढल के निकल जाएगा, नहीं थोड़ा ज्यादा रखेगा तो और सांस निकलेगा, ऐसे कर दिया वैसे तो रहेगा तो पूरा घर ही चौपट हो जाएगा। समझ आ रहा है, स्लोप देना जरूरी है कि नहीं है, और बेसिकली क्या चीज हमारे मन में आइडिया दे रहा है, तो फॉर द सेम चेंज इन डीएक्स, फॉर द सेम चेंज इन व्हाट डीएक्स का वैल्यू सेम होने पर जिसका डीवाई ज्यादा होगा, फॉर द सेम चेंज ऑफ डीएक्स जिसका चेंज इन वाई ज्यादा होगा क्या उसका स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप बोले तो टैन थीटा बोले तो स्लोप, और स्लोप बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, ऑल आर पर्यायवाची शब्द, क्या है पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स के एंटोनिम्स, हाँ इसलिए बताओ एस वाई एन ओ एम वाई एम एस ऐसे एन वाई ना, हाँ सिनोनिम्स, हाँ ये पर्यायवाची शब्द है, ऑल आर पर्याय, टैन थीटा स्लोप डिवाइड सबका मतलब वही होता है, थीटा इज टेकन किसके साथ एंगल, थीटा इज ऑलवेज एंगल शुड बी टेकन विद एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव ऑफ एक्स, तो जैसा एंगल वैसा उसका रिजल्ट, जैसे कि मान लो कि सपोज दैट कि इधर एक्स है, बातें नहीं कहेगा कि ये 37 डिग्री है, कहेगा स्लोप बताओ क्या आंसर होगा, तो थीटा बराबर 37 डिग्री है तो 37 डिग्री स्लोप होगा ना, 37 डिग्री स्लोप नहीं होगा, उसका टैन 37 डिग्री स्लोप होगा, तो स्लोप बोले तो स्लोप क्या होगा, टैन 37 डिग्री स्लोप होगा, जिसको हम डीवाई बाई डी एक्स के नाम से भी आगे जाना जाएगा, ठीक है, और टैन 37 कितना होता है, तो स्लोप का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स 3/5 हो जाएगा, कहाँ दिक्कत, समझ में आ रहा है, कहेगा बताओ कि इसका स्लोप बताओ, ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 1 है ये 2 है, 2 का स्लोप बताओ, हाँ तो ये 53 डिग्री है तो इसका जो स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स, बोल क्या बोला जाएगा, इसको एम से इंडिकेट करेंगे, स्लोप इज इंडिकेटेड बाय व्हाट, टैन थीटा स्लोप डिवाइड ऑल आर इंडिकेटेड बाय एम, ये सिंबॉलिक बातें नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हाँ वेरी गुड, 3/4 होगा, हाँ 3/5 नहीं होगा, हाँ ठीक, अच्छा इसका डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा, तो डिवाइड बाय डीएक्स बराबर एम, इसको एम वन कहें कि एम वन है, इसको क्या बोला जाएगा एम टू, बोलो क्या होगा, डीवाई डी एक्स एम टू बोला जाए, तो ये टैन 53 डिग्री ना, इसको हम 4/ किसका ज्यादा स्लोप किसका कम स्लोप, एम टू का ज्यादा स्लोप एम थ्री का कम स्लोप, बिल्कुल है, अच्छा सुनो अब मान लो ऐसे दिया हुआ, ये है तुम्हारा 120 डिग्री, कहेगा फाइन स्लोप, स्लोप क्या होगा, तो थीटा इज ऑलवेज टेकन एंगल किसके साथ, एंटी क्लॉक, एंगल सही जगह पर है, एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो हमको टैन ऑफ क्या करना पड़ेगा, क्या इसी को एम बोला जाएगा, इसी को क्या बोला जाता है, अच्छा टैन 120 को क्या 180-60 लिख सकते हैं, ऐसे अरे बोलो, टैन 120 को 180-60 कहां दिक्कत, और फॉर्मूला क्या होता है, टैन ऑफ 180-30 थीटा को क्या लिखते हैं, हाँ माइनस टैन थीटा, ऐसे तो माइनस टैन 60 डिग्री बन जाएगा, और माइनस टैन 60 क्या होता है, तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका मतलब ऐसा कहें कि थीटा अगर मोर देन 90 होगा तो मोर देन 90 होगा तो हमेशा इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा ना, इसी पैटर्न पे लिखेगा,
जो बराबर सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा ना, तो टैन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है? नेगेटिव। टैन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, तो स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। और टैन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगा? तो कहने का मतलब कि थीटा अगर लेस देन 90 हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा मोर देन 90 हो नेगेटिव हो, क्योंकि टैन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है और टैन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अच्छा थीटा अगर 90 हो, एक्स है वाई है, ये मान लो ऐसे है, थीटा कितना, अब इसका बोला था स्लोप, तो क्या लिखेंगे? तो स्लोप का मतलब डीवाई बाई डी एक्स, इसको क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? एम से। एम बराबर क्या होगा? टैन ऑफ थीटा, थीटा इज व्हाट, तो ये क्या जाएगा? इंफिनिटी या अनडिफाइन कर सकता है, अनडिफाइन। तो लिखो, इफ थीटा इज लेस देन 90, इफ थीटा क्या लिखा, इफ थीटा इज लेस देन 90 देन स्लोप विल बी पॉजिटिव। इफ थीटा इज क्या, लेस देन 90 देन स्लोप विल बी क्या, पॉजिटिव। इफ थीटा इज मोर देन 90, इफ थीटा इज क्या लिखा, मोर देन 90 स्लोप विल बी नेगेटिव। इफ थीटा इक्वल टू 90 स्लोप विल बी अनडिफाइंड। स्लोप में करते क्या है, अच्छा जब भी स्लोप पता लगाना हो, लिखो जब भी स्लोप पता लगाना हो तो ड्रॉ टेंजेंट टू दैट पॉइंट, तो ड्रॉ क्या लिखा, टेंजेंट टू, जब भी स्लोप पता लगाना हो तो ड्रॉ टेंजेंट टू दैट पॉइंट, ड्रॉ टेंजेंट टू दैट पॉइंट ठीक। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे देन टेक एंगल ऑफ टेंजेंट, देखो फिर आगे लिखो, देन टेक, देन क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट, टेक एंगल ऑफ द टेंजेंट विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, देन टेक क्या लिखा, देन टेक एंगल ऑफ द टेंजेंट किसके साथ, विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज ठीक। बाकी का अभी लिखा ही कि थीटा अगर लेस देन 90 है तो क्या होगा, थीटा लेस देन 90 है तो पॉजिटिव होगा, थीटा मोर देन 90 नेगेटिव होगा, थीटा इक्वल टू 90 है तो 90 होगा, कोई दिक्कत वाली, थीटा अगर 90 है तो अनडिफाइन होगा। ग्राफ ठीक है, ये वाला एंगल तुम्हारा दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका स्लोप निकालना, फाइंड स्लोप। पहला क्वेश्चन, इसका स्लोप निकालना, वाई है होगा, तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगा, 180 माइनस 30 ठीक है। तो यहाँ पर भी m इक्वल टू क्या लिखना होगा, tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना 180 डिग्री माइनस, ऐसे ना
तो बोलो क्या लिखेगा, माइनस टेन थर्टी, तो इसका m का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन बाई रूट थ्री। तो इसका भी स्लोप निकालना सीखिए, क्लियर। अच्छा इसमें आ जाओ, ये 30 तो क्यों, कौन एंगल, वर्टिकली अपोजिट, और ये कितना 60, तो ये वाला सर ये 90 तो ये, और ये 60 तो ये, ठीक ठीक। तो ये तो डायरेक्ट m बराबर tan थीटा होगा, और थीटा ऑलरेडी कितना दिया हुआ, थीटा ऑलरेडी 60 डिग्री है, तो tan 60 हो जाएगा, m इक्वल टू कितना आएगा, ठीक। अच्छा एक चीज देखो कि मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, वर्टिकल है, कोई भी लाइन ऐसे खींचा हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा लाइन बना लो, सब जगह सेम एंगल की अलग अलग, यहां अगर थीटा लेंगे तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी थीटा होगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का सारे जगह एंगल सेम होता है, और अगर सारे जगह एंगल सेम हुआ तो उसका टैन थीटा का वैल्यू सेम हुआ, और टैन थीटा का वैल्यू सेम हुआ तो स्लोप भी सेम हुआ। तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट का लिखो, ए स्ट्रेट लाइन का स्लोप सारे जगह सेम होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सारे जगह मतलब एट एवरी पॉइंट कर लो ब्रैकेट में, एट एवरी पॉइंट इज सेम, एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज सेम, एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज क्या लिखा, क्लियर। स्ट्रेट लाइन का हर एंगल पे स्लोप, हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, सपोज हम ऐसे टाइप का बना, ये स्ट्रेट बना कि अलग बना, कर बना, ठीक है। तो आगे लिखो कर, बट कर्व लाइन का, बट कर्व लाइन का सारे जगह का स्लोप सेम नहीं होता है, बट कर्व का सारे लाइन क्या लिखा, सारे जगह पर, ठीक है, मतलब स्लोप इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, स्लोप इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, सारे जगह स्लोप का वैल्यू सेम नहीं होता है, तब या तो इंक्रीजिंग होगा और नहीं तो डिक्रीजिंग होगा, वही बात आएगा ना, या तो फिर इंक्रीज करेगा स्लोप और नहीं तो डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो जैसे मान लो कि दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये पॉइंट वन है, ठीक, और ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट टू ले लेते हैं। अब दोनों जगह स्लोप पता लगाने के लिए ना छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करो, तुम चाहो तो बड़ा भी कर सकता है, अगर छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करेगा या बड़ा ही कर लो, देखो छोटा करेगा तो यहां पर एंगल देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा वन, छोटा सा ही में बन जाएगा, और यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, देख रहा है थीटा टू कहां का ज्यादा खड़ा है, हाँ ये ज्यादा खड़ा है और ये सोया हुआ टाइप का है, तो कौन एंगल ज्यादा, समझ में आ रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका एंगल हमेशा किसके साथ लेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट का ये हल्का सा टेंजेंट बनाएंगे और उसी जगह पर हम एंगल देख लेंगे किस जगह का एंगल ज्यादा, यहां पर जबकि क्या है देखो तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारी जगह देख रहा है सबका सबका, हाँ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेना है एवरी टाइम, क्या हाँ एंगल शुड बी टेकन थीटा इज पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी, या फिर थीटा इज टेकन एंगल क्या, थीटा इज एंगल टेकन विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो कैन वी से दैट कि थीटा इज मोर देन थीटा वन, ठीक है, थीटा टू इज मोर देन, अच्छा थीटा अगर बड़ा तो जीरो से लेकर 90 डिग्री में उसका टेन थीटा भी ज्यादा, अगर थीटा बड़ा तो उसका टेन थीटा भी ज्यादा, क्योंकि थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जीरो से लेकर 90 के बीच में, तो कैन वी से दैट कि टेन दोनों तरफ टेन लगा दिया तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, नहीं होगा, इनइक्वालिटी जैसा है वैसे रहेगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा एम टू, तो एम टू ग्रेटर देन एम वन, कहाँ दिक्कत,
ठीक, तो कहाँ स्लोप ज्यादा है, तो हम कैन से दैट कि यहाँ पर मोर स्लोप और यहाँ पर क्या लेस स्लोप। नहीं है करना क्या समझ में रहा है, दोनों जगह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वही टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेंगे एंटी क्लॉक वाइज, तो पता चल जाएगा लेस एंगल लेस स्लो, मोर एंगल मोर स्लो। ठीक, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लाइन ऐसे बनाए देते इस टाइप का, इस टाइप का ये ऐसा कर्व बनाए, क्या कर्व का सारी जगह स्लोप सेम होगा, कर्व का स्लोप सारी जगह सेम नहीं होगा, किसका सारी जगह सेम होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का सारी जगह स्लोप क्या होता है सेम होता है एट एवरी पॉइंट। ठीक, अब मान लो दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ वन और ये पॉइंट बोल के लेट है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे छोटा सा टेंजेंट बनाएंगे, छोटा सा बना, अरे बोलो और किसके साथ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बोल के लेट है, अच्छा यहाँ पर भी छोटा सा एंगल देखो किसके साथ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, कौन ज्यादा खड़ा है, हाँ ये ज्यादा खड़ा है, ये ज्यादा खड़ा है और यहाँ पर थोड़ा ये कम खड़ा है, तो हम कैन वी से दैट कि थीटा वन इज मोर देन थीटा टू, अरे बोलो देयरफॉर टैन थीटा वन इज मोर देन टैन थीटा टू या एम वन ग्रेटर देन एम टू, कहाँ दिक्कत, एम वन इज ग्रेटर देन एम टू, नहीं आया टफ लगा क्या, एम वन इज ग्रेटर देन, अरे बोलो, अच्छा अब सुनो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये देखो ये वाला कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ आया, कांस्टेंट स्लोप ये कैसा आया, यहां से यहां गए ऐसे, ठीक है यहां से यहां गए तो कैसा इंक्रीजिंग स्लोप, क्या ये इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप बढ़ते जा रहा लगातार, यहां पर क्या होगा स्लोप, हाँ ये कहेंगे डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग। ठीक, तो इसका मतलब कि देखो सुनो क्या है कि अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो कांस्टेंट स्लोप होगा, अगर इस टाइप का होगा पैराबोला टाइप का, आगे जाके पढ़ेंगे पैराबोला टाइप कहलाता है, तो वो इंक्रीजिंग स्लोप होगा, ये पैराबोला वाई एक्सिस के अबाउट होगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और ये आगे जाके पढ़ेंगे पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, सिमेट्री इसका क्या है देखो तो वाई एक्सिस के अबाउट इसका सिमेट्री क्या है एक्स एक्सिस के अबाउट, बोल क्लियर है। ठीक, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप कांस्टेंट स्लोप। ठीक, अच्छा कहां पर स्लोप पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, कहां स्लोप पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, दोनों जगह स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि दोनों जगह थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है, इफ थीटा इज लेस देन 90 स्लोप विल बी पॉजिटिव, इफ थीटा इज मोर देन 90 स्लोप विल बी नेगेटिव, तो हाँ नेगेटिव स्लोप, तो देखो थीटा मोर देन 90 ये जो हम लोग निकाले देखो कहाँ कहाँ नेगेटिव आया, थीटा मोर देन 90 नेगेटिव, थीटा लेस देन 90 पॉजिटिव, इस केस में थीटा लेस देन 90 पॉजिटिव, इस केस में थीटा मोर देन 90 नेगेटिव, इस केस में थीटा लेस देन 90, समझ में आ रहा, तो लेस देन 90 ऑलवेज पॉजिटिव, थीटा मोर देन 90 नेगेटिव, बोल के देखा, तो दोनों जगह थीटा क्या रहा, हाँ दोनों जगह थीटा लेस देन 90 है, थीटा वन और थीटा टू इज व्हाट, तो दोनों जगह स्लोप क्या है पॉजिटिव है, कहीं स्लोप नेगेटिव नहीं है, नहीं आया क्लियर, यहां पर कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव, हाँ दोनों पॉजिटिव, ठीक है बिकॉज दोनों जगह थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन 90, क्लियर है, अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हम ऐसे बनाते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप इसका सेम नहीं होगा, अच्छा पॉइंट ले रहे हैं पहला दूसरा तीसरा, सबसे पहले ऑब्जर्व करो टेंजेंट हाइपोथेटिकल बनाओ तो कहां पर थीटा लेस देन 90 हुआ कहां मोर देन 90 कहां जीरो, तो अगर यहां टेंजेंट खींचेंगे देखो थोड़ा सा टेंजेंट बना लिए और ये वाला थीटा वन हो गया, अरे बोलो yes, यहाँ पर टेंजेंट बना लो, ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, ये कहाँ है अब यहाँ पर टेंजेंट और एक टेंजेंट देखो यहाँ बना है,
देखा सारे जगह थीटा किसके साथ लेना है, हाँ ऑलवेज थीटा वी शुड टेक विथ हॉरिजॉन्टल के साथ, तो थीटा वन ये वाला हो गया थीटा थ्री और ये थीटा टू, बोल थीटा टू का वैल्यू जीरो होगा, तो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, हाँ यहाँ थीटा वन लेस देन 90, स्लोप क्या बोलो, हाँ स्लोप पॉजिटिव, यहाँ थीटा थ्री मोर देन 90, स्लोप बोला जाए नेगेटिव, कहाँ दिक्कत, यहाँ थीटा जीरो तो स्लोप क्या जीरो, ठीक, जहां बिल्कुल 90 इसका स्लोप अगर हम बिल्कुल खड़ा होगा तो कैसे करके देख रहे हैं? इस जगह पर थीटा कितना 90, यहां स्लोप अनडिफाइंड, स्लोप क्या होगा अनडिफाइंड, बिकॉज टैन ऑफ 90 क्या होता है इन्फिनिटी अनडिफाइंड, देख रहे हैं? नहीं यार, तो ये तो समझ में आता है कि कहां पॉजिटिव होगा कहां जीरो होगा कहां नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत वाली, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये समझना आसान होगा कि कहाँ पॉजिटिव स्लोप होगा कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ जीरो होगा, ये बोलो आसान हुआ कि नहीं हुआ, स्लोप होता क्या है ये समझना है, ठीक, इसके बाद फिर हम लोग क्या सीखे कि स्लोप कहाँ बढ़ेगा और कहाँ घटेगा ये समझ में आ गया, जैसे ऐसा होगा तो इंक्रीजिंग स्लोप, ऐसा होगा तो डिक्रीजिंग स्लोप, और स्ट्रेट लाइन होगा तो सारे जगह स्लोप सेम होगा, ये डिसाइड हो गया, बता सकता है कहाँ क्या है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक हम सर्किल ऐसे बनाए हैं, लेट अस ड्रॉ ए सर्किल, ठीक, एक सर्किल हम लोग ऐसे बनाए, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बोल क्लियर है, बहुत सारा पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे जगह स्लोप बताना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कहां कहां जीरो होगा कहां अनडिफाइंड होगा ये सब बताना है, बोला जाए, स्लोप पॉजिटिव कहां होगा स्लोप जीरो कहां होगा ये एरिया बताओ, स्लोप पॉजिटिव कहां होगा ये सब पॉइंट बताओ, स्लोप नेगेटिव कहां होगा ये सब बताओ, फिर और क्या स्लोप अनडिफाइंड कहां होगा इन्फिनिटी कहां होगा, स्लोप अनडिफाइंड या इन्फिनिटी भी कर सकते हैं कहां कहां होगा ये सब सारा पॉइंट्स बताना, हाँ बोला जाए, सब जगह हाइपोथेटिकल क्या बनाएंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हाइपोथेटिकल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एकदम छोटा सा, देखो एक ऐसे और ऑलवेज एंगल टेक किसके साथ ऐसे 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 ऑलवेज टेक एंगल किसके साथ, हाँ ऑलवेज टेक एंगल विथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज टेक एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कैसे एंटी क्लॉकवाइज, बोला जाए क्या होगा वन पे, हाँ जीरो कहाँ कहाँ हुआ वन फाइव, वन और फाइव पे वन कॉमा फाइव पे जीरो, बोल क्लियर है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ, हाँ टू और हाँ वेरी गुड, टू और सिक्स में क्या हुआ टू और सिक्स में पॉजिटिव, टर्न लगा क्या अच्छा, नेगेटिव कहाँ कहाँ फोर और एट, यहाँ पर भी थीटा मोर देन 90 और यहाँ पर भी थीटा, तो कहाँ कहाँ बोला फोर और एट में, हाँ और अनडिफाइंड थ्री और सेवन, ठीक है तो 3,7 अनडिफाइंड हो गया, समझ में आ रहा है कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, अरे बोलो ठीक, थोड़ा बहुत समझना है कि कैसे किसके साथ क्या लेना है, ठीक, अब तो कुछ भी बना दें, अगर ऐसे करके भी बना देंगे कहेगा 1 2 3 बोलेगा कहाँ कहाँ क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बता तो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कहाँ जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव घर ये घर कर रहे हैं, बना बना बनो, हाँ बोलो, हाँ थ्री में
टू में जीरो, हाँ तो थ्री में पॉजिटिव, थ्री नेगेटिव, वन में नेगेटिव, जीरो समझ में, ठीक। स्लोप होता क्या है, स्ट्रेट लाइन का सारी जगह स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम लोग अलग अलग मतलब लोकस ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन का कैसा ग्राफ होगा, सर्किल का कैसा होगा, इलिप्स का कैसा होगा, पैराबोला का कैसा होगा, सारा चीज वन बाय वन करके पढ़ेंगे। बट यहां तक समझ में आता है? हाँ सर। चलो देखो, अब हम लोग सबसे पहले ना स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसे तुम लोग टेंथ में कर्व खींचा था ग्राफ पेपर में, नहीं तो जितना भी कर्व खींचा होगा तो इस टाइप का इक्वेशन आया होगा, 4y माइनस 3x प्लस या माइनस 10 इक्वल टू जीरो टाइप का, ऐसा है ना? तो ये जो खींचा था तो कैसे कैसे बनाया था याद करो, तो ग्राफ पेपर ऐसे लिया होगा, ऐसे करके x एक्सिस y एक्सिस, उसका ग्राफ पेपर में बहुत सारा स्केलिंग किया हुआ रहता है, नहीं स्केलिंग किया हुआ रहता है। अब स्केलिंग रहता है उसमें पता चल जाता है कि क्या है। अब उसके बाद फिर x का मतलब ऐसे करके टेबल बनाया होगा, है ना इधर, हाँ बेसिक से वही है, ये x है और ये y, x का अपने से कुछ वैल्यू ले लिया होगा और उसके हिसाब से y कैलकुलेट किया होगा, फिर सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया होगा, तो एक सारा जो जोड़ा होगा वो बिल्कुल क्या बना था, स्ट्रेट लाइन बना था, ठीक है। वैसे भी हम लोग बना सकते हैं, बट अब चूंकि हम लोग थोड़ा लेवल हम लोग का बढ़ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले ना ये मोटा मोटी ग्राफ हम लोग को बनाना है। कैसे बनाना है? मोटा मोटी, ठीक है। तो मोटा मोटी में पहले देखो कैसे कैसे है। तो देखो, अगर सपोज दैट कि अगर ऐसा टाइप का होगा, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये कोई स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां से पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसका क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ये हम लोग डिराइव कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई, बोल क्लियर है। अब x कॉमा वाई और ये पॉइंट P ले लेते हैं, अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दी, तो x कॉमा वाई का मतलब क्या होता है कि ये वाला पार्ट क्या होगा, x और ये वाला पार्ट y, बोल क्लियर है। और इसी एंगल को, इसी एंगल का tan थीटा को क्या कहा जाता है, स्लोप, ठीक है। तो कैन वी राइट m इक्वल टू tan थीटा, अरे बोलो, और tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई बाय एक्स। अब देखो हम tan थीटा के जगह सारे जगह m यूज करेंगे शॉर्ट, तो y बाय एक्स इक्वल टू क्या हो गया m, तो y इज इक्वल टू क्या है, क्लियर है। यही इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो यही फॉर्मेट होगा, हाँ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास करे, ओरिजिन से, कहां से पास करे, यही इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जैसा m का वैल्यू वैसा उसका ये, जैसे मान लो कि m अगर पॉजिटिव है तो बोलो तो कैसा होगा, m अगर पॉजिटिव तो थीटा लेस देन 90 कि मोर देन 90, तो यहां पर ये x और यहां पर क्या y, ये थीटा हो गया। अगर m पॉजिटिव होगा तो ऐसे ना बनेगा, m अगर नेगेटिव है तो हाँ मोर देन थीटा विल बी व्हाट, मोर देन 90, तो ये वाला y होगा, ये वाला क्या होगा x, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसे, और ये वाला थीटा हो गया मोर देन, कुछ इसी का सकल सूरत टाइप का होगा और कुछ इसी का सकल सूरत टाइप का होगा, बोल क्लियर है, नहीं आया। जैसे मान लो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है y बराबर 3 बाई 4 इंटू x, ऐसा लिखा हुआ है, ये किसके सकल सूरत से मैच कर रहा है, इसी का ना, अरे बोलो इसी से मैच कर रहा है। तो हमारा ऐसा कहें कि y इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है mx, तो m का मतलब यहाँ क्या हो गया, m बोले तो tan थीटा, m बोले तो tan थीटा 3 बाई 4, हाँ तो tan थीटा इक्वल टू tan 37 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना, तो एक मोटा मोटी ऐसा लाइन खींचेंगे जो कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से, कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, और उसका जो थीटा होगा वो 37 डिग्री होगा, तो मोटा मोटी ग्राफ कैसा बनेगा,
तो ये तुम्हारा वाई है, ये क्या है, एक्स है, तो क्या इसका ऐसे बनेगा जो ये वाला एंगल क्या होगा? अरे बोलो, कोई दिक्कत? ये थीटा 37 डिग्री होगा, टफ लगा क्या? ठीक, y इक्वल टू -3/4 इंटू एक्स हो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये भी इसका किस फॉर्मेट में है देखो, तो y बराबर mx टाइप का है, y बराबर m कितना बोला जाए, -3/4, m बोले तो tan थीटा, m बोले तो, m बोले तो, m बोले तो tan थीटा, tan थीटा बराबर -3/4। अच्छा tan थीटा देख लो, ये माइनस तुम यहां भी लिख सकता है, ये माइनस को इधर कर दिए तो RHS क्या बना? अरे बोलो, अच्छा tan ऑफ 180 माइनस थीटा कुछ होता है क्या? क्या होता है? हाँ, माइनस tan थीटा होता है, क्या होता है? माइनस tan ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, क्लियर है? तो ये जो माइनस tan थीटा है, क्या उसके जगह tan ऑफ 180 माइनस थीटा LHS को लिख सकते हैं? देखो तो LHS को ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर। और RHS में क्या लिखा हुआ है? ऐसे तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू tan, बोला गया क्या लिखेंगे, 37 ऐसे ना? अरे बोलो, तो 180 माइनस थीटा 37 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 143। मतलब थीटा का एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ऑफ एक्स के साथ कितना होगा? तो मोटा मोटी कर्व खींचेंगे तो कैसे बनेगा देखो, तो ये एक्स होगा, ये क्या होगा, वाई, ऐसे होगा, ये वाला जो एंगल होगा थीटा होगा, जिसका वैल्यू 143 डिग्री होगा, मोटा मोटी कर्व ऐसे बनेगा। नहीं आया तब लगा, तुम लोग बनाओ तो डायरेक्ट सबको बनाएगा, वाई बराबर 4/3 एक्स का और y इक्वल टू -4/3 एक्स का। बना बना हमको ये लाइन खींच के दिखाओ कैसे कैसे क्या होगा। डायरेक्ट इसको बना, इसको इसको ठीक। हाँ देखो बनाया, y बराबर 4/3 x ऐसे है ना, पहला और ये दूसरा, तो y इक्वल टू mx होता है, m इक्वल टू 4/3, m बोले तो tan थीटा, tan थीटा कितना, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 बोले तो tan 53, तो थीटा क्या हो गया 53 डिग्री, मतलब कि ये वाला y होगा, ये वाला क्या होगा x, और इसका ये वाला ऐसे होगा, जिसका ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये माइनस इधर कर दिए, ठीक है, ये माइनस इधर भी कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा दो, tan थीटा इक्वल टू -4/3, ये माइनस को इधर भेज दिए, बोल क्लियर, तो tan 180 माइनस थीटा 4/3, बोला गया ऐसे, कैसा लाइन बनेगा, इधर y, इधर x, ऐसे ना, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, कितना एंगल, कहां दिखे? अच्छा फिजिक्स में जो है इस टाइप का कहां
इक्वेशन आएगा फिजिक्स में, क्योंकि हमको तो फिजिक्स पढ़ना है, मैथ तो पढ़ना नहीं है। तो एक काफी पॉपुलर है कि ये हुक्स लॉ कहा जाता है, स्प्रिंग जब पढ़ेंगे ना तो ये इस टाइप का आएगा, इसको हुक्स लॉ कहेंगे। क्या बोलेंगे? हुक्स लॉ। ऐसा टाइप का कोई इक्वेशन आएगा हुक्स लॉ फिजिक्स में। अब देखो ये किस सकल सूरत का फोटो है, ऐसे y बराबर mx टाइप का है। m नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, ऐसे ना। तो मोटा मोटी जो ग्राफ बनेगा इधर f इधर x, बोल कैसा बनेगा? हाँ ऐसे टाइप का बनेगा, नहीं है समझा? इसी टाइप का सकल सूरत का ग्राफ बनेगा। इसको हुक्स लॉ कहेंगे। आगे जाके इस इक्वेशन को फिजिक्स में आएगा, स्प्रिंग जब स्टार्ट होगा ना तो ऐसे। हाँ एक फोर्स कहलाता है और x कहलाता है कॉम्प्रेशन या एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर का। एफ कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग खींचते हैं ना तो उसमें फोर्स जनरेट हो जाता है, फोर्स आ जाता है, तो वही वाला फोर्स है। और x कहेंगे एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन। और k को कहा जाता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या स्टिफनेस ऑफ द कॉन्स्टेंट, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जो आगे जाके आएगा। हमको अभी बस सकल सूरत समझना है कि क्या हो रहा है। हाँ बस खाली देखना है कि इसका मोटा मोटी स्लोप, हाँ मोटा मोटी कर्व कैसा होगा। अभी हमको क्या सीखना है? मोटा मोटी कर्व कैसा होगा। कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात? तो अभी जो हम लोग पढ़े, अभी जो हम लोग पढ़े क्या हुआ कि वो जो लाइन है वो कहां से पास किया? ओरिजिन से। अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो बट फिर भी कैसा लाइन हो? स्ट्रेट लाइन। तो जैसे मान लो कि इस टाइप का ये वाला x है, ये वाला y है, एक लाइन इस टाइप का जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरी जगह से पास कर रहा है, बट है स्ट्रेट लाइन। अच्छा जहां से पास करता है तो ये कट जो करता है ना इसको सी कहा जाता है, इसको ऑल्सो सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है, बल्कि क्या है। अच्छा जितना ये एंगल यहां थीटा होगा क्या उतना ही ये भी होगा? खैर ये थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई है। एक्स कॉमा वाई का मतलब देखो क्या है कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे तो ये वाला साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? एक्स। और यहां से लेके यहां तक क्या? अरे बोलो, यहां से लेके यहां तक ये ना होगा, ये वाला एक्स होगा, ये वाला वाई होगा। अच्छा ये कितना हो चुका? ये कितना हो चुका? सी। तो ये भी क्या होगा? सी होगा। तो बाकी का कितना बचा? हाँ वाई माइनस सी हो जाएगा। क्या होगा? नहीं यार, अब इसका टैन थीटा बोले तो एम नहीं, तो व्हाट इज टैन थीटा का वैल्यू? तो टैन थीटा अभी भी ये परपेंडिकुलर बाई क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना और बेस का लेंथ कितना? एक्स है ना, तो बेस का लेंथ हो जाएगा एक्स और परपेंडिकुलर का लेंथ हो जाएगा वाई माइनस सी इक्वल टू व्हाट? एम। अरे बोलो, तो वाई इक्वल वाई माइनस सी बराबर क्या गया? तो वाई इक्वल टू हाँ एम एक्स प्लस सी। मतलब जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा किसी दूसरे जगह से पास करेगा, किसी दूसरे जगह से कट करेगा, वाई एक्सिस के किसी दूसरे जगह से कट करेगा, ओरिजिन से कट नहीं करेगा, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो एम क्या कहलाता है यहाँ पर? स्लोप। एम क्या? स्लोप। और सी को वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर ओरिजिन से ऊपर को कट करेगा तो वाई पॉजिटिव होगा, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से नीचे कट करेगा तो। अब इसका देखो सकल सूरत क्या होगा, वाई बराबर जैसे मान लो 3/4 एक्स प्लस 10 ले लिया ऐसे, ठीक क्लियर। अब देखो इसका हमको ग्राफ बनाना है इसी का, तो कैसे कैसे बनेगा? तो y इक्वल टू क्या होगा? एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो कंपेयर करो c कितना है 10, m कितना 3/4, ऐसे m बोले तो tan थीटा कितना, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 बोले तो tan 37 डिग्री, बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत? तो थीटा कितना, मतलब एक ऐसा लाइन खींचेंगे जिसका थीटा 37 डिग्री होगा पॉजिटिव ऑफ x के साथ, और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? 10 पे,
वाई सी को कहां कट करेगा, तो बोलो कैसा होगा। देखो मोटा मोटी ये वाई है, ये एक्स है, बोलो कैसा होगा। हाथ से बताओ तो, सबको यहां से बताओ। ये तो पहले बताओ ऐसे वाला होगा, ऐसे वाला में क्या है, थीटा मोर देन 90 है, तो ऐसे वाला दोनों गलत। तो या तो मतलब ओरिजिन से ऐसे वाला होगा, नहीं तो ऐसे वाला होगा। कौन वाला चलेगा, कौन वाला, ऐसे वाला। कौन एरिया से पास करेगा बताओ, ऊपर की नीचे, ऊपर। तो हम ऐसा कहेंगे, देखो एक लाइन ऐसे खींचे, अरे बोलो, अब इसका इसके साथ कितना बनेगा, ये वाला एंगल बताया जाए 37 डिग्री, और ये कहां कट करेगा, 10 को कट करेगा, ये कहां कट करेगा, क्लियर। अगर कोई ऐसे देखो, अब इसका देखो चार तरह से देखो, यही परफेक्ट है। अगर मान लो कोई बोले सर इसका ऐसे होगा, वाई है एक्स है, ये ऐसे नहीं हो करके ऐसे होगा, क्या इसमें गड़बड़ी है, और ये 37 होगा, क्या ये सही है, हाँ ये क्या गड़बड़ लग रहा है, हाँ ये नीचे कट कर रहा, वाई के प्लस 10 को कट नहीं कर रहा, वाई के माइनस, तो ये बिल्कुल इसमें ऐड है, क्या ऐड है, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ वाई को कट कर रहा, सी का वैल्यू नेगेटिव हो गया, थीटा तो लग रहा है सही है बट सी सही नहीं है। अच्छा अगर मान लो इधर वाई है इधर एक्स है, अगर मान लो ऐसे है, इसमें क्या गड़बड़ी है, सी तो पॉजिटिव है बट थीटा मोर देन 90 हो गया, गड़बड़ समझना था। अगर हम लाइन ऐसे खींची, इसमें क्या गड़बड़ है, या तो महागड़बड़, क्या महागड़बड़, हाँ थीटा थीटा एक मोर देन 90 हो गया और वाई हमारा वाई नेगेटिव हो गया, तो थीटा भी मोर देन 90 हो, ये महागड़बड़ हो गया, जबरदस्त गड़बड़ क्लियर है। इसका मतलब कि एक ही ग्राफ परफेक्ट है जो कि ये वाला है। इसका मतलब कि एक इक्वेशन का बहुत सारा कर्व कि एक ही कर्व, एक ही कर्व नहीं, बहुत कुछ, बहुत कुछ बना दो, कुछ बनेगा क्या है, ये बिल्कुल 10 से पास करना चाहिए और 37 डिग्री पे होना चाहिए, तो एक ही लाइन बनेगा, उसके अलावा दूसरा लाइन नहीं बनेगा, नहीं आया तब लगा क्या ना। अच्छा वाई इक्वल टू 3x/4 -10 बोला जाए कैसा होगा, एक्स वाई हाँ नीचे से पास करें ऐसे ना, और ये एंगल कितना होगा, समझ में आ गया। अच्छा ये कहाँ कट करेगा, -10 को कवर कट करेगा ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ 10 यूनिट होगा, ऐसे नीचे होगा, बोल क्लियर है। y बराबर -3x/4 +10 ये बोला गया, y बराबर -3x/4 +10। अच्छा कंपेयर करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, mx प्लस सी, सी बोले तो +10, m बोले तो -3/4, m बोले तो tan थीटा -3/4, माइनस इधर आने दो, तो -tan थीटा इक्वल टू कितना, इसको tan ऑफ क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, याद हुआ इस सब का, तो tan 37 डिग्री, वो थीटा का वैल्यू कितना, 37 थीटा का वैल्यू 143 डिग्री। हाथ से बताओ तो कैसे होगा, हाथ से बताओ, हाथ से बताओ कैसे कैसे कैसे, हाँ तो इधर तुम्हारा y और इधर तुम्हारा x, हाथ से बताओ कैसे, ऐसे होगा कैसे, ऊपर वाला हाथ के नीचे वाला हाथ, कोई हाथ नहीं होगा, ऐसे होगा ऐसे ऐसे, ऊपर ऊपर वाला, हाँ वेरी गुड, ऊपर वाला होगा, तब लगा क्या। अच्छा ये वाला कितना, यहाँ से यहाँ 10, ठीक, और ये वाला एंगल कितना, 143 डिग्री, क्लियर है। हाथ से पता चल रहा है कौन वाला हाथ, ठाकुर का हाथ। y इक्वल टू -3x/4 -10 बोला जाए, y है x है, हाँ बोला जाए, नीचे से सर, हाँ कौन वाला, अच्छा ये वाला सही की गड़बड़, कौन वाला, ये सही की गड़बड़, हाँ नीचे वाला सही, ऊपर वाला गड़बड़, बोल क्लियर है। हाँ ये वाला ऐसे है, पता ये कहाँ कट करेगा माइनस, और ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, 140। टफ लग रहा है क्या, कोई कस वाली बात समझ रहा, वो क्या रहा, कैसे कैसे करना है, क्लियर। अच्छा देखो
y इक्वल टू 4 बाई थ्री एक्स प्लस 10, y इक्वल टू माइनस 4 बाई प्लस 4 बाई थ्री माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 4 बाई थ्री प्लस 10, y इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई थ्री एक्स माइनस 10। फटाक से बना तो, हाँ थीटा का वैल्यू बताओ। खाली कर बनाना है रफली, एक ही कर्म में सब कुछ बनाना है। एक ही कर्म में या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, देखो एक ही कर्म बनाना है मोटा मोटे। कैसे बनाना है? मोटा मोटे, या तो ऐसे बनेगा तो ये वाला और ये वाला होगा। अरे बोलो, ठीक है, दो अलग अलग बना लो, पहला ये देख लो और एक दो अलग अलग कर्म बना लो, ऐसे इसी में गंजन हो जाएगा। वाई कौन किसके लिए बताओ? पहला वाला ये है, हाँ वेरी गुड, ये वाला दूसरा वाला। अच्छा एंगल कितना है? 4/3, हाँ तो ये 53 डिग्री होगा। ये भी एंगल कितना? 53 डिग्री ऐसे। अच्छा ये कौन तीसरा चौथा कौन वाला? ये वाला ऊपर वाला कौन तीसरा और नीचे वाला चौथा? एंगल बोला जाए 127। ये भी कितना? क्लियर? टफ लग रहा है क्या? तो इस टाइप का कुछ भी होगा बनेगा। अरे बोलो, ये भी हुक्स वाला टाइप का आएगा। आगे जाके हम लोग स्प्रिंग वगैरह या SHM में पढ़ेंगे। ये इस पैटर्न माइनस kx प्लस या kx प्लस मान लो कि C टाइप का हो ऐसे, तो बोलो तो कैसा कर्व होगा? इसको बताना है y की जगह f आ जाएगा और इधर क्या जाएगा? x, ये x है ये f है। मोटा मोटी बताना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसका कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा? देख लो, अरे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है बट इसका स्लोप क्या है? तो मोर देन 90 की लेस 90, मोर देन 90, तो ये वाला तो अच्छा दोनों एक ही फिगर बना दिए, तो कौन वाला होगा? इसका 1 वाला होगा और इसका वाला 3 वाला होगा। तो मोटा मोटी समझ में आ गया किसका क्या होगा। अच्छा अगर हम ऐसे बना दे ऐसे वाला तो दोनों गलत, क्या गलती इसमें? इसमें स्लोप पॉजिटिव है जबकि इसका स्लोप, इसका लेस देन 90 हो रहा है जबकि क्या होना चाहिए? मोर देन 90। समझ आ रहा है कैसे कैसे बनाना है कैसे कैसे नहीं बनाना है? स्ट्रेट लाइन पूरा फील के साथ समझ में आया? ओरिजिन से पास करे तो बनेगा, ओरिजिन से पास नहीं करे तो बनेगा, अगर स्ट्रेट लाइन रहा तो। ठीक, चलो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन सीख गए। अब इसका नंबर पैरा बोला था, ठीक है, क्या है इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले पैराबोला। ठीक है, पैराबोला टाइप का क्या होगा? जैसे मान लो इस इक्वेशन को देखो, y बराबर x स्क्वायर को देखते हैं। अगर कुछ भी आइडिया ना हो ग्राफ बनाने का तो वही जो टेंथ में फॉलो किया था ना वैसा ही, वो बेसिक है, कोई भी चीज का ग्राफ बन जाता है वो, मोटा मोटी तुमको सकल सूरत पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल वैसा ही लेंगे जैसे पहले लिया करते थे क्लास टेंथ में। ठीक है, कैसे कैसे क्या होगा तो देखो, एक चीज हम लोग पढ़े ना कि देखो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, देखो बोलो तो क्या होगा? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अच्छा एम बोले तो क्या होता है? टैन थीटा, और टैन थीटा को डीवाई बाई डी एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो ये बिल्कुल डीवाई बाई डी एक्स पे भी फिट रहता है। जैसे इसको डिफरेंशिएट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या? एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो एलएचएस क्या है? एलएचएस का डीवाई बाई डी एक्स होगा,
RHS में देखो m बाहर आई है चूंकि स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन का सारी जगह स्लोप क्या होता है, सेम होता है, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और c इज व्हाट कांस्टेंट, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बोलो dy by dx क्या आ गया, m आ गया, dy by dx कितना, अरे बोलो, जो कि m क्या है कांस्टेंट है ना, तो देखो dy by dx सारे जगह क्या है कांस्टेंट है, तो dy by dx कह लो, tan थीटा कह लो या m कह लो, ऑल आर पर्यायवाची सर, ऑल आर क्या 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 dy by dx m और क्या tan थीटा, ऑल आर सारे जगह dy by dx इसका सेम है कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप सारे जगह कांस्टेंट है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप सारी जगह सेम होगा, बाकी पैराबोला इलिप्स सर्कल जितना भी करेंगे y बराबर sin x cos x किसी का स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग दो तरह से ग्राफ बनाते हैं, एक तो 19th लेवल पे उसका स्लोप से भी बना सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटी आइडिया पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग स्लोप है कि डिक्रीजिंग स्लोप है। जैसे यहां पर देखो, अगर कुछ आइडिया ना हो तो देखते हैं, देखो इधर x ले लेते हैं, इधर y, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या, बोलो 0, ठीक, x का वैल्यू प्लस 1, प्लस 1, x का वैल्यू माइनस 1, y का वैल्यू प्लस 1, x का वैल्यू प्लस 2, प्लस 4, x का वैल्यू माइनस 2, ये भी प्लस 4, यस, x का वैल्यू प्लस 3, प्लस 9, ऐसे x का वैल्यू माइनस 3, अच्छा y कभी नेगेटिव नहीं होगा, y कभी नेगेटिव, अगर y नेगेटिव नहीं होगा तो मोटा मोटी देखो ये y है इधर x है, y कभी नेगेटिव नहीं होगा तो क्या x के ऊपर ही हमेशा बनेगा, x के नीचे नहीं बनेगा, और बिल्कुल मिरर टाइप का है देखो, तो कि प्लस 1 अगर इसको करेंगे ना देखो तो बिल्कुल सिमेट्रिकल कर्व बनेगा, देखो इस टाइप का, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, देखो अगर इसको कंपेयर करेगा जाए तो ये y है इधर x है, अगर y बराबर x होता, देखो इसको फील करो थोड़ा क्या है, y बराबर x होता तो इसका ग्राफ कैसा बनता, ऐसे बनता, यही ना होता, मतलब यहां पर y बराबर x में अगर x 1 लेंगे तो y भी 1 होगा, मतलब अगर एक एक यूनिट बढ़ाएंगे किसको, x को, x को 1 बढ़ाए तो y भी 1 बढ़ेगा, x और 1 बढ़ाए तो 1 और बढ़ेगा, x का वैल्यू और 1 बढ़ाए तो y और 1 बढ़ेगा, यही ना होगा, अरे बोलो, अच्छा यहां 1 बढ़े तो इतना बढ़ा, पहले 0 था तो 0 में 0 था, x का वैल्यू प्लस 1 से बढ़ा दिए, ठीक, तो प्लस 1 से तो ये भी, प्लस 1 से तो ये भी 0 से बढ़ के 1 हो गया, अब देखो x का वैल्यू हम 1 से 2 कर दें, एक यूनिट बढ़ाए ना तो ये एक यूनिट बढ़ती है, जितना ये वाला क्या उतना ही ये वाला 1, जितना अगर ये 4 उंगली तो ये भी 4 उंगली, 4 उंगली वी हैव टेकन कितना 1, तो पता है ये 1 और बढ़ाए तो ये 4 हो गया, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का, अरे पहले 1 था ना, पहले 0 से ये यहां से लेके यहां गए तो 1 में बढ़े, फिर यहां से यहां कितना हो गया 4, फाइनल हुआ ना, तो 3 बढ़ा, तो 3 बढ़ा तो मतलब टोटल क्या है, नीचे से करेंगे तो 1 2 देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, देख रहा है, बाप रे बाप, समझ रहा है, इसीलिए ना ऊपर भाग रहा है, नहीं आया चमका, क्या हुआ, पहले 1 बढ़े तो इधर y भी 1 बढ़ा, फिर इधर 1 बढ़े तो इतना ही, देखो ए ये नहीं मतलब 3 बढ़ गया, 1 2 3, देख रहा है, फिर यहां पर देखो, फिर इसको और लंबा खींचते हैं, फिर 1 बढ़े, देखो 1 तो 1 बढ़े तो 2 से 3 में गए, नहीं 1 बढ़े तो 0 से 1 गए, 1 और बढ़े x की तरफ तो 1 से 2 में गए, फिर x की तरफ और 1 बढ़े तो 3 में गए, बाप रे बाप, 4 से 9 में गए, देख रहा है, यहां पर क्या था, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, ऐसे करके था तो बिल्कुल हिसाब किताब था, यहां तो बाप रे बाप, यहां एक 1 गए तो देख लो,
एक दो तीन चार पांच, पांच गए, इसीलिए नगम हड़ाक से ऊपर जा रहा है। अगर हड़ाक से ऊपर नहीं जाएगा तो क्या इतना मेकअप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं आया समझना कि ग्राफ का ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा अब देखो, जैसा इधर हो गया क्या इधरों ऐसा होगा? अरे बोलो बिल्कुल। ये देखो अगर देखा जाए तो देखो ये तो बिल्कुल मिरर सिमेट्री टाइप का है, फोल्डिंग सिमेट्री भी कहते हैं। जैसे यहां पर इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो जीरो जीरो, इसी को हम वर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा। ये किसके नाम से? वर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा। तो इसका वर्टेक्स कहां होगा? जीरो जीरो, ऑरिजिन इसका वर्टेक्स होगा। बिल्कुल है। फिर देखो अब इसका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वन प्लस वन कॉमा प्लस वन। आज इधर वाला क्या होगा? माइनस वन। एक्स वाला क्या? माइनस वन। वाई वाला क्या? प्लस वन। ये वाला क्या होगा? प्लस टू प्लस फोर, ऐसा ना? इसका ठीक इसी तरह माइनस टू प्लस फोर। इसका मतलब वाई वाला हाइट सेम है और एक प्लस टू है तो उधर माइनस टू है, तो क्या ये इमेज टाइप का है? क्या ये? फिर नेक्स्ट वाला क्या है? ये वाला हाँ प्लस थ्री है और प्लस नाइन है। इधर वाला बोला जाए हाँ माइनस थ्री, क्या जितना उधर है उतना ही इधर है? क्योंकि इधर प्लस थ्री है और इधर, बट हाइट ये वाला क्या है? सेम है, तो माइनस थ्री तो प्लस नाइन। कभी वाई तो नेगेटिव होगा ही नहीं बापू जिंदगी में, कभी होगा? कभी नहीं होगा। अब वैसे करके सोन बना सकते हैं बहुत सारा। तो इधर वाला इधर वाला, इसका वर्टेक्स क्या हो गया? और इस सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस? ऐसे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के बोर्ड सिमेट्रिकल है, मतलब वाई एक्सिस के बोर्ड वाई ए वाला है, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन है। इफ यू फोल्ड इट इट विल पूरा ओवरलैप, नहीं इफ यू खुला देन ऐसे खोलेंगे तो ऐसे होगा, वाई एक्सिस वो सिमेट्रिकल होगा। एंड इफ यू फोल्ड इट ये वाला नहीं है, ओवरलैप होगा। ठीक, कहां दिक्कत? अब सुनो, वाई बराबर अगर फोर एक्स स्क्वायर होगा तो वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर होगा तो क्या चेंज तुमको देखने को मिलेगा? देखो पहले, हाँ पहले जो था सुनते जाओ, ये वाई था एक्स स्क्वायर था, एक्स था इधर, वाई इधर एक्स। हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो पहले पुराना वाला y बराबर x स्क्वायर था, ग्राफ ये था देखो, दिस वॉज ओल्ड y इक्वल टू x स्क्वायर, बट वी हैव नाउ मेड 4x स्क्वायर, तो क्या व्हाट वी विल सी? और बड़ा किधर होगा? फैलेगा कि सिकुड़ेगा? है अब सुनो कैसे पता चलेगा, देखो इसको फील करो। जब x का वैल्यू जीरो तो y जीरो, जब x का वैल्यू 1 तो पता है y 4 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा। ठीक, x का वैल्यू अगर प्लस 2 तो y यहां पर 4 है बट यहां चर चर 16 है। तो पता है देखो अगर अगर ये वाला हम बनाएंगे तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो इधर उतना ज्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा, नहीं है देखो ये 1 तो इतना, ये देखो किसमें ज्यादा रेट से बढ़ रहा है देखो, तो कौन वाला होना चाहिए बता, कौन ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है किसमें? देखो एक ऐसे खींच दो ना, इसमें तो देखो इस दोनों में एक सेम रही है, तो इसमें पहले इतना था अब इतना भी नहीं है, थोड़ा कम हो गया। अरे बोलो, पहला दूसरा तीसरा तीनों कर्व में कंपेयर करो तो पहले एक लेते थे तो ये एक होता था, थर्ड वाला कर्व में अब सब एको नहीं है है क्या? देखो तो एक भी नहीं हुआ, कम हो गया, जबकि इसको चार गुना बढ़ना चाहिए था, तो चार गुना बढ़े तो कौन वाला जाएगा? अब देखो पहले एक तो ये एक, अब एक नहीं एक से ज्यादा, मतलब इसका सकल सूरत कौन वाला होगा? ऊपर वाला होगा, इसका मतलब कि ये वाला है। ठीक, ये समझ में आ रहा? अच्छा y बराबर अगर x स्क्वायर बाई 4 हो तो हाँ अब फैलेगा ऐसे, ठीक है ये इस टाइप से और ये फैलेगा, और अगर 4 टाइम्स हो गया मतलब मल्टीप्लाई हो गया तब क्या होगा? तो हाँ सिकुड़ जाएगा, तो ये वाला कौन वाला हुआ? पहला समझ में आ गया?
तो पहला वाला अगर हम y बराबर x स्क्वायर पहला बनाएंगे तो दूसरा वाला 4x स्क्वायर टाइप का होगा और तीसरा वाला मोटा मोटी x स्क्वायर बाई 4 टाइप का होगा। समझ में आ रहा है कहाँ दिक्कत? अच्छा फिर y बराबर x स्क्वायर प्लस 4 होगा तो सोच के देखो देखो इसमें क्या होगा, इसमें न फैलेगा न सिकुड़ेगा, जैसे वैसे वो खाली शिफ्ट करेगा। सुनो पहले हम लोग देखो क्या बना रहे थे कि इधर y था और इधर x था, बल्कि लेना अच्छा पहले y बराबर x स्क्वायर कैसे हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था y बराबर x स्क्वायर हुआ करता था। अब जहां x बराबर हम 0 पुट करेंगे तो पहले क्या आता था y बराबर x स्क्वायर में x बराबर 0 पुट करते थे तो y 0 आता था, अब 0 पुट करो तो हाँ तो 4 आएगा, जहां 0 है वो 4 आ जाएगा ठीक। अच्छा अब x बराबर 1 पुट करो तो पहले 1 से 1 आता था ये 5 आएगा, 2 पुट करो पहले 4 आता था अब 8 आएगा, 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो कैन वी से दैट कि पूरा ग्राफ विल बी लिफ्टेड अप, मतलब यही वाला जो है गर्व हल्का सा इसको ठेल दो ठेलेगा कितने अमाउंट का, 4 अमाउंट का, तो ये बिल्कुल सकल सूरत ऐसे होगा, बल्कि ले रहे समझ में आ रहा है दम डिटो। अगर मान लो इसको हम पूरा ये करेंगे ना तो इसमें जाके पूरा ओवरलैप हो जाएगा, ये न फैलेगा न सिकुड़ेगा, दम बिल्कुल जाके वहां पर बैठ जाएगा। नहीं है नहीं समझ में आया, इसको देखो ना ये बिल्कुल ये है ना, देखो सब कुछ वही है, अब ये पता है कहाँ कट करेगा, पहले ये 0-0 होता था अब देखो ये 0,4 होगा, यही ना सिर्फ फर्क है, टोटल हर पॉइंट 4 विल ऊपर से 4 चला जाएगा, एवरी पॉइंट विल बी लिफ्टेड बाय हाउ मच अमाउंट 4 यूनिट किधर ऊपर ठीक। और यही अगर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो तो नीचे हाँ टोटल कर वही हो जाएगा, नीचे खाली शिफ्ट कर जाएगा, तो ऐसे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बनाते हैं तो देखो क्या क्या होगा। पहले पुराना वाला याद करो, ये y है एक्स स्क्वायर है x है, तो पुराना वाला कर्व ऐसे था ना, ये किसका कर्व होता था एक्स स्क्वायर का, अगर माइनस का वैल्यू पुट कर दिए तो क्या टोटल जो y पॉजिटिव हुआ करता था क्या वही टोटल का टोटल नेगेटिव होगा उतना ही वैल्यू का? अरे बोले पूरा साइन खाली चेंज हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू जो जो लिए थे वैसा ही लो बट y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू सारा नेगेटिव होता जाएगा। नहीं आया x का वैल्यू जो पॉजिटिव हुआ करता था पहले वो आज का डेट में क्या है ठीक, तो बिल्कुल इसी का ये ऐसे बना लें, बिल्कुल उसी ग्राफ को ऐसे है, इसको पलट दें ऐसे, ग्राफ ऐसे है बिल्कुल डिटो वही वाला, खाली क्या होगा पलट जाएगा, डिटो खाली पलट जाएगा, इसको ऐसे करके ऐसे पलट दो, पल्ला दरवाजा खुलता है ना ऐसे पलट दो, नहीं आया? अच्छा स्लोप वाइज देखा जाए तो इसका स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। पता है जब x पॉजिटिव लेंगे तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव लो तो पॉजिटिव, x पॉजिटिव लो तो पॉजिटिव गुना नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव, अच्छा x नेगेटिव लो तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब टी वाई बाई डी स्लोप का बात हो रहा है, हम किसका बात हो रहा है, तो x पॉजिटिव इधर ही होता भैया, x क्या होता है इधर ना होता है, x हमेशा जब भी पॉजिटिव तो ये वाला और x नेगेटिव तो देखते हैं, x पॉजिटिव तो टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं, अच्छा ड्रॉ कर लो यस, थीटा मोर देन 90 के लेस देन 90, हाँ थीटा नहीं आया तब लगा क्या, अच्छा जब यहाँ पर x नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, हाँ थीटा लेस देन 90 के मोर देन 90, लेस देन 90 तो यहाँ थीटा लेस देन 90 आ गया, बिल्कुल सही बात है कि x अगर पॉजिटिव लेंगे तो स्लोप नेगेटिव आएगा, आया भी, और जब x नेगेटिव लेंगे इस साइड में तो, और अच्छा x जीरो लो तो बीच में x जीरो तो पूरा
ओहो, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया, नहीं आया। पॉजिटिव पे पॉजिटिव शो हो रहा है, पॉजिटिव पे स्लोप नेगेटिव। क्या कहीं शक करने के लायक बचा? नहीं सर, हर तरह से पूरा बैठा हुआ है। तुम एक्स का वैल्यू पुट करके देख लो तो आएगा।